Hey guys, welcome to my channel. Excuse me please, और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर जाने वाली हूँ कमर पुकुर और जॉयराम बाटी। कमर पुकुर है रामकृष्ण मिशन आश्रम मठ, जहाँ पर श्री रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए, मेन मठ, मेन मंदिर, उनका घर एंड आसपास में स्कूल है जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, एंड जो भी स्पॉन्सर्ड उन्होंने अभी बना रखा है, वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर प्रेजेंट डे स्कूल हो, वो सब भी आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाएंगे जॉयराम बाटी, जहाँ है श्री शारदा देवी, उनका जन्म स्थान। वो थी श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, और दोनों के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ही स्थान हैं, पर दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम है। तो सुबह से लेकर के आप समझिए 11:30-12 बजे तक ये मंदिर, जो रामकृष्ण मिशन कमर पुकुर है, ये बंद हो जाता है। और इसके बंद होते ही जॉयराम बाटी की भी सेम टाइमिंग्स है, वो भी बंद हो जाता है, और फिर दोनों ही 3 बजे के बाद खुलते हैं संध्या आरती के लिए। तो आपको अगर इसे प्लान करना है, दोनों ही को देखना है एक साथ, तो आपको बिल्कुल सुबह सुबह निकलना होगा। बिल्कुल सुबह सुबह निकल करके आप डायरेक्टली यहाँ आएँ, और यहाँ पे अगर आप 9-10 बजे आते हैं तो प्रसाद का टोकन भी ले सकते हैं, 50 रुपये है दक्षिणा, उसके ऊपर आप एड ऑन अपने इच्छा से दे सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना 11:30 के बाद प्रसाद ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आप प्रसाद नहीं लेना चाहते यहाँ, तो फिर आप डायरेक्टली जयराम बाटी जाएं और वहाँ पर भोग लें। कमर पुकुर का जो रामकृष्ण मिशन का मंदिर है, मेन मंदिर की बात कर रही हूँ मैं, वो सिर्फ 11:30 बजे कुछ ही मिनटों के लिए, समझिए 5 से 10 मिनट के लिए खुलता है। और एक्चुअली वो 11:30 एग्जैक्ट नहीं खुला, जिस दिन मैं गई उस दिन 11:36 में वो खुला, एंड उसके बाद वहाँ का भोग वितरण होता है। और मेरी जर्नी के अनुसार मैं यहाँ का भोग वितरण होने के बाद यहाँ से जॉयराम बाटी गई। ऑब्वियसली मेन मंदिर बंद हो चुका था, उनका जो जन्म स्थान वाला कमरा है, जो घर है, वो भी मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा। तो आप जब भी इसे प्लान करें, बहुत ही ध्यान से टाइमिंग देख कर करें गाइस, वरना मेरी तरह आप भी बस बाहर से ही एक चीज़ को देख पाओगे। और रामकृष्ण मिशन में तो इवन एंट्री भी नहीं मिलती 11:30 के बाद, उसके बाद जब नेक्स्ट स्लॉट खुलता है, अब समझिए 3:30-4 बजे, एंड सीजन्स के हिसाब से, लाइक विंटर में 3:30 बजे खुलता है तो गर्मी में 4 बजे, ये सब आप बिल्कुल अपडेटेड टाइमिंग जाने से पहले देख लें और फिर ही प्लान करें। दोनों जगह काफ़ी ईजली एक्सेसिबल है, रोड्स भी अच्छे हैं, लैंडमार्क्स दिए हुए हैं, डायरेक्शन साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं, एंड दोनों जगह पार्किंग भी है, तो आपको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लस दोनों ही जगहों पर काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलती हैं, वो पर्स हो, डेकोरेटिव्स हो, टेराकोटा के सामान हो, हैंडीक्राफ्ट के सामान हो। एंड जो स्पेशल चीज़ मुझे लगी, वो जॉयराम बाटी में छोटी छोटी गुड़िया मिल रही थी, तो वो आप एज सोवेनियर लेकर जा सकते हैं।